वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ऐड द टर्म्स टू राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि हमारे पास जो टर्म्स गिवन है उनको आपने सम अप करके लिखना है, ऐड करके लिखना है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। इट इज़ वेरी ईजी, जितनी भी हमारे पास टर्म है उनमें प्लस का साइन डालते जाएं, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2ab प्लस 3bc प्लस ca। इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास इसको लिखना है, ऐड करना है, हमारे पास है 7l स्क्वेयर प्लस 3m स्क्वेयर प्लस माइनस 8, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, 7l स्क्वेयर प्लस 3m स्क्वेयर माइनस 8। इसी तरह इनको भी सम प्लस करके लिखेंगे, पी स्क्वेयर प्लस माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस माइनस आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस आर स्क्वेयर। ये हमारे पास 3 डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको सिर्फ हमने ऐड करना था जो टर्म्स को टू गेट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन। हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन है, उन एक्सप्रेशन में जो हमारे पास वेरिएबल और कॉन्स्टेंट यूज हुए हैं उनको हमने सेपरेट करना है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन एक्स प्लस 3, तो जो अननोन होता है लिटरल उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं एक्स, और जो जिसकी फिक्स वैल्यू होती है जैसे कि 3 है उसको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लिटरल यूज़ हो रहे हैं ये भी अलजेब्रिक टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, जो टर्म में कॉन्स्टेंट होगा वो उसको हमने लिखना है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा है वो है माइनस 2, और जो हमारे पास वेरिएबल है वो है ए एन बी। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स में यूज़ हो रहे हैं वेरिएबल वो है एल एंड एम, एल एंड एन, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमारे पास कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म कोई सेपरेट होती तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लिख देते। इट इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन नंबर 1 और 2। जो इसके बाकी पार्ट्स हैं बेटा वो आप लोगों के लिए ऐसा होमवर्क है, वो आप लोगों ने आप घर में बैठ के पहले इसको करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको करने के बाद जब वो करेंगे इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे, वो आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।